मैं राजा प्रदेश से हूँ जी। अच्छा फैसल साहब आप है ना जी? जी ये असल में आपका जो महकमा मौसमियात का दफ्तर है ना, ये बड़ा अच्छा है। असल में मुझे बाहर का मौसम अच्छा लगा, मैंने कहा मैं बाहर इंतजार करता हूँ। उन्होंने कहा जी साहब काम कर रहे हैं, अभी आपके पास आते हैं। अच्छी बात, क्या हाल है, खैरियत है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बात ये है, मुझे भेजा है मुश्ताक साहब ने। यार वो रहीम बख्श का जो बेटा है मुश्ताक, आप नहीं जानते वो रहीम बख्श? यार ओए जो अल्लाह बख्श हलवाई है उसका भाई है रहीम बख्श, उसका बेटा मुश्ताक। जी जी जी, तो वो मेरा है दोस्त। अच्छा अच्छा, तो उसने आपका बताया था कि जनाब वहाँ मेरा जानने वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 जी, मैं जानता हूँ। जानते हैं ना? जी जी जी। तो मसला ये है, मुझे महकमा मौसमियात में काम है। हुक्म करें। बात ये है कि वो जो इलाका है ना पाक गेट वाला। अच्छा ठीक है, जी जी है। मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पे जो है ना कल जी ऐसी जबरदस्त किस्म की अंधारी आए और उसके बाद टेम्परेचर जो है ना वो 47, 48, 50 से ऊपर चला जाए। खैरियत ये कि वो मेरी बात सुने, वहाँ पे जमील रहता है वो जो छबा लगाता है। ठीक है, मेरी उससे हो गई है लड़ाई। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करूँगा कि तुम्हें लग पता जाएगा। मैं कहता हूँ वहाँ पे ऐसी अंधारी घोल दें कल कि उसका छपा छपा ऐसे उलट जाए और गर्मी इतनी हो, टेम्परेचर इतना ज्यादा हो कि वो जो बाहर बैठा हो ना उसे लग पता जाए, उसकी टेंट सड़ जाए। नहीं नहीं, नहीं। वो मुझसे बातें करता है, कमाल है। क्या बात करता है जनाब? वो जो भी बात करता है आप मुझे बताएं, ये आप टेम्परेचर ऐसा हो जाएगा। सर ये नहीं हो सकता बुजुर्गो, ये क्यों नहीं हो सकता? यार आप ही तो बताते हो कि कल यहाँ बारिश होगी, इस महीने में सैलाब आएंगे। ठीक है, निनामा आएगा, टेम्परेचर इतना होगा। तो फिर यार तुम कालांधारी चला दो ना वहाँ पे। हम नहीं कर सकते, आप समझ रहे हो यार? तनख्वाह किस बात की ले रहे हो तुम? कमाल है, हम नहीं कर सकते। इतना बड़ा महकमा है, महकमा मौसमियात। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कल वहाँ पे अंधारी घुल जाए और वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, ज़रा गर्मी हो जाए, ज़रा जमील की ऐसी की तैसी होगी, फिर पता चलेगा। नहीं हो सकता जी, ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर कैसे हो सकता? ये तो अल्लाह ताला को पता है, ये मशीनों से हमें पता लगता है। पर मशीनों के बच्चे, मुझे कल वासा में काम था। ठीक हाँ। है, वो गटर हमारा बंद था, मैं उधर गया हूँ। मैंने कहा यार ये काम तो कर दो, उन्होंने बंदे भेजे हैं। हाँ। गटर को खुल गया, खुल गया होगा बिल्कुल। ठीक है, वो इसी तरह महकमे इसलिए बनते हैं ना कि जो काम हो वो कर दें। तो ये आपका जो महकमा मौसमियात का जो दफ्तर है, ये जो इतना बड़ा महकमा है, तो ये किस लिए बनाया हुआ है? भाई ये तो मुझे भी पता है, मैं बादल देख के आपको बता सकता हूँ कि भाई बारिश आनी है कि नहीं आनी, कल होनी है या परसों। मेरा बाबा उस वक्त घड़ियाँ चढ़ियाँ याद नहीं होती थी, ऐसे सूरज को देख के बताता था कि इस वक्त 2:30 हुए हैं। वो कैसे बताते थे? वो ऐसे सूरज के ऊंचाई को देख के, छाँव को देख के अंदाज़ा लगाते थे। ये तो हम भी कर सकते हैं। फिर क्यों तनख्वाहें ले रहे हो? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये हम कैसे बता सकते हैं? आप खुद सोचें, आपको मेरे पास सुनो, जमील के इलाके में जो है ना कल अगर ये टेम्परेचर ज्यादा ना हुआ ना, अंधारी ना आई, उसका छब्बा ना उठा, मैं कहता हूँ मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। ये नहीं हो सकता यार, कैसे नहीं हो सकता भाई, कैसे नहीं हो सकता भाई? तुम्हारा महकमा किस लिए है मुझे बताओ? यही है ना मौसम, मौसम तो फिर मौसम को तब्दील करो ना। मौसम हम तब्दील नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो फिर क्यों महकमा बनाया? चलो निकलो यहाँ से, चलो भजो भजो यहाँ से। अजीब लोग है भाई, इतना बड़ा वो उसने जमील ने मेरी बेइज्जती कर दी है, अब उसके साथ मैं इंतकाम कैसे लूंगा? मुझे समझ नहीं आ रही, अगर वहाँ पे मौसम थोड़ी अंधारी आ जाए, थोड़े से वहाँ पे अपना गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो जाए ना, ज़रा पता तो चले उसे। इतना बड़ा महकमा है और ये कुछ कर भी नहीं सकते।